अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखें, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सक्सेसेस इन अ मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर सिचुएशंस। तो ये परसेंटेज ऑफ सक्सेस है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। प्रोबेबिलिटी को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ द लाइकलीनेस डैट द इवेंट विल अकर। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो हम कुछ सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। स्टैटिशियंस आर ऑफन डीलिंग विद ईदर न्यूमेरिकल डाटा, काउंट्स और मेजरमेंट्स और कैटेगोरिकल डाटा विच कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरियन। We shall refer to any recording of information, whether it is numerical or categorical, is as observation. और experiment क्या होते हैं? Experiment describes any process that generate a set of data. ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की data types हो सकती हैं, numerical हो सकता है data और categorical हो सकता है। numerical जैसे 1, 2, 3, 4, 5, categorical like yes, no, color हो सकते हैं। ये सारा डाटा हमारे पास कैटेगोरिकल है। तो उसके बाद हैं ऑब्जर्वेशन, हम कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे हम लेट्स सपोज हमने टाइम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स को देखना है, तो हम अगर हम गाड़ी से टाइम देख रहे हैं आफ्टर सम टाइम, तो इसको भी हम ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। या टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो उसको भी ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट ऐसा एक प्रोसेस है जो कि डाटा जनरेट करता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे अहम और बुनियादी हमारे पास कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, विच इज़ नोन एज सैंपल स्पेस। तो क्या होती है सैंपल स्पेस? अ सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स द मोस्ट। ठीक है, we must understand the sample space in order to determine the probability of each outcome occurring. Sample space is a set, the domain of the probability function. Each probability value p is a real number between 0 and 1. ठीक है, तो sample space क्या है? एक set के एक experiment के all possible outcomes जो हैं वो हम उसको sample space कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हमें कॉइन को टॉस करें तो उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगी। ये दोनों हेड और टेल मिला के हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस बनेगी। ऐसे ही हमारे पास एक डाई है, उसको हम रोल करते हैं तो उसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसी तरीके से। तो ये सैंपल स्पेस उसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर कंसिस्ट करेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस ऑलवेज इक्वल टू 1। जो तमाम प्रोबेबिलिटीज हम तमाम पॉसिबिलिटीज हम सैम्पल स्पेस में लिखते हैं, तो अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटीज को सम अप करें तो वो 1 के इक्वल होनी चाहिए, ना तो वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए ना ही कम। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है हमने अपनी सैम्पल स्पेस जो है वो ठीक तरीके से डिफाइन नहीं की। Properly enumerating the sample space is key to correctly calculating probabilities. तो ये बहुत अहम है कि हम अपनी sample space को ठीक तरीके से बनाएं। और इस सिलसिले में जो हमारे पास है tree diagram, वो हमें help कर सकती है। तो tree diagram क्या है? For example हमारे पास एक experiment है, और experiment में क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, और अगर हेड आएगा तो हम कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, अगर टेल आएगी तो हम एक डाई को रोल करेंगे। तो देखें हमारे पास हम हेड और टेल फर्स्ट आउटकम, अगर हेड आया तो फिर हम दोबारा से कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं हेड और टेल आने की। अगर हमारे पास टेल आई है तो हम एक डाई को रोल करेंगे और उसमें जो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम इन सब को कंबाइन करके देखेंगे तो ये हमारे पास सैंपल पॉइंट्स हैं, ये सब के सब मिलके हमारी एक सैंपल स्पेस को बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल है जिसमें हम एक प्रोसेसिंग लाइन है, उसमें हमने कंपोनेंट्स हैं डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, तो 3 कंपोनेंट्स हमने वहाँ से सैंपल करने हैं।
तो पहला कंपोनेंट लिया तो वो डिफेक्टिव हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद हमने दूसरा कंपोनेंट उठाया, वो भी डिफेक्टिव हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद हमने तीसरा कंपोनेंट उठाया, वो भी डिफेक्टिव हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव। और लास्टली हमारे पास आप देख सकते हैं एक सैम्पल स्पेस कम्प्लीट होगी, जिसमें बताया गया है कि क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। DDD का मतलब होता है कि तीनों जो सैम्पल्स हमने लिए हैं वो तीनों के तीनों डिफेक्टिव हैं। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस हैं। सैम्पल स्पेस को हम और तरीक़ों से भी मेंशन कर सकते हैं। सैम्पल स्पेस विद अ लार्ज आर इन्फिनिट नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेटमेंट और रूल मेथड। ठीक है, तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स हैं तो उसको लिखना मुश्किल हो सकता है, तो हम उसको रूल मेथड के थ्रू भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर द सेट ऑफ सिटीज़ इन द वर्ल्ड विद अ पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन, our sample space is written s is equal to x such that x is the city with a population over 1 million। ठीक है, इस तरीके से भी हम अपने sample space को बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैं events। events क्या होती हैं? an event is a subset of sample space, e is subset of s, know that both s and phi are events as well। तो events क्या हैं? अगर set theory हमें पता है तो हमें पता है कि event हम एक subset के तौर पे, हम एक set के subset के तौर पे हम उसको consider करते हैं। एस जो होल सेट है और एम्प्टी सेट है ये भी इवेंट कहलाएंगे। सैम्पल स्पेस कैन बी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। सैम्पल स्पेसेस कंटिन्यूस भी हो सकती हैं और डिस्क्रीट भी हो सकती हैं। एग्जांपल, लाइफ इन ईयर्स ऑफ अ कंपोनेंट एस इज इक्वल टू टी सच दैट टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ऑल वैल्यूज ऑफ टी सच दैट टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ए कंपोनेंट फेल्स बिफोर द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर, ए इज इक्वल टू ए सच दैट टी इज लेस दैन 5। एग्जाम्पल्स हैं, फ्लिप अ कॉइन 3 times, तो हम क्या करेंगे, कॉइन है उसको 3 दफ़ा फ्लिप करेंगे, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनेगी वो आपके सामने है। HHH है, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT, और ऐसे ही है। इसमें से अगर हमें इवेंट एक लेना है, इवेंट ए है, फर्स्ट फ्लिप इज हेड्स, तो इस सेट के अंदर से हमें एक ऐसा सबसेट लेना है जिसको हम इवेंट कह रहे हैं, और जिसमें पहली जो फ्लिप थी वो हेड थी। तो इसका मतलब है जिसमें पहले नंबर पे एच आ रहा है, पॉइंट्स हमने ले लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HHH, HHT, THT, HTH और HTT, 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, सैम्पल पॉइंट्स जिनमें एच पहले आ रहा है। तो ये ऊपर वाली जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है उसमें से ये एक हमने इवेंट ले लिया है जो जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। उसके बाद है सेट इवेंट ऑपरेशंस क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि पहला ऑपरेशन कम्प्लीमेंट का, कम्प्लीमेंट ऑफ एन इन इवेंट ए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस नॉट इन ए डिनोटेड बाय ए कम्प्लीमेंट, ये जो बार से हम इसको कम्प्लीमेंट शो करेंगे, ए फर्स्ट फ्लिप इज हेड्स और ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, फर्स्ट फ्लिप इज नॉट हेड्स। ठीक है, इसको उल्ट लेना है, किसी इवेंट का एक उल्ट जो है उसको कम्प्लीमेंट कहते हैं। और उसके बाद इंटरसेक्शन है, तो दो सेट की इंटरसेक्शन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बोथ एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी फर्ज करें हमारे पास बी का एक है सेकंड एंड थर्ड फ्लिप बट नॉट बोथ आर हेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि दूसरा या तीसरा हेड होना चाहिए, लेकिन दोनों इकट्ठे हेड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा हेड है, तीसरा टेल है, दूसरा टेल है, तीसरा हेड है, हेड है, टेल है, टेल हेड है। तो इसका मतलब है ये इवेंट बी जो है ये इसके रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है। तो अब हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, यानी कि ये बी का सेट है और ए का ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा है कि सारे पहले हेड्स हैं वो पहले हेड्स होने चाहिए। जब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो HHT, HTH दो मेंबर्स हैं जो कि दोनों में कॉमन है, और इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन कहलाएंगे। उसके बाद टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो अगर दोनों सेट्स में जो इवेंट्स हैं, अगर दोनों हमारे पास इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि उनके कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है वो एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद यूनियन है, सेट ऑफ एलिमेंट इन इधर ए और बी, अगर हमारे पास ए और बी दोनों में से अगर वो किसी एक में भी वो मौजूद है एलिमेंट, तो वो हमारे पास यूनियन के अंदर आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये बेटा ये बेसिक कुछ ऑपरेशन थे, कम्प्लीमेंट का ऑपरेशन, इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है, और ऑपरेशन है और यूनियन का ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम शोज़ हाउ वेरियस इवेंट्स ग्राफिकली एंड आर समटाइम्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सेट थ्योरी प्रॉब्लम्स।
स्टैंडर्ड सेट थ्योरी, रिजल्ट होल्ड, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको सेट थ्योरी को विजुअली देखने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास तीन सर्कल्स हैं, ये तीन इवेंट्स को बता रहे हैं ए बी सी, और हमने डिफरेंट रीजन्स को नंबर कर दिया ताकि हम उसको आसानी से पता करा सकें कौन कौन से रीजन्स हैं। तो फ़र्ज़ करें हमने ए यूनियन सी को फाइंड करना है, ग्राफिकली हमने फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि ए यूनियन सी के अंदर जो रीजन्स आ रहे हैं, तो ये ए का सर्कल है और ये बी का सर्कल, ये ए का सर्कल है और ये सी का सर्कल है, तो 7, 2, 1, 4, 5, 3 ये जो सारे रीजन्स हैं ये ए यूनियन सी के अंदर आएंगे। ऐसे बी इंटरसेक्शन, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए है, तो बी कम्प्लीमेंट में ये तीन रीजन सिर्फ रहते हैं, 7, 4, 5, और ए में क्या है, ए में है 7, 2, 1, 4, सिर्फ 7 और 4 दो रीजन हैं जो कि कॉमन हैं दोनों के अंदर। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों का कॉमन रीजन सिर्फ एक है, ये जिसका हमने एक रखा हुआ नाम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, तो इसमें जो हमारे पास जो कॉमन रीजन आ रहे हैं वो आ रहा है 2, 6 और 7, तो ये रीजन इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये आज हमने डिस्कस की हैं थिंग्स, सबसे पहले हमने देखा है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर हमने इवेंट के ऊपर बात की, सैम्पल स्पेस के ऊपर बात की है हमने, फिर हमने कुछ सेट ऑपरेशंस देखे हैं, और उसके बाद हमने वेन डायग्राम को देखा है, ठीक है।